हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है फिर से वेबकुट चैनल पे। तो फ्रेंड, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में ये प्रोफाइल का पेज बनाया था और ये अपडेटेड का पेज बनाया था, तो अब हम इस वीडियो में इमेज का पेज बनाएंगे। जैसा कि हमने यहाँ पे इमेज का पेज बनाया हुआ है, तो चलिए हम करते हैं स्टार्ट। तो इमेज का पेज बनाने के लिए फ्रेंड्स मैं क्या करूँगा, ये जो अपडेट का पेज है इसी को मैं कॉपी करूँगा और कंट्रोल न्यू करके वहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। कंट्रोल एस करके अपने प्रोजेक्ट में ही मैं पिक डॉट पी एच पी के नेम से सेव कर दूंगा। और इसके ऊपर मैं क्या करता हूँ, मैंने जो ये एक्शन यहाँ पे हम क्या करेंगे, बाकी जो डिव की फाइल्स हैं ये डिलीट कर देंगे। सिर्फ एक ही हम डिव की फाइल रखेंगे और उससे पहले आ जाएगा एच टू, एच वन का टैग ले लेते हैं और एच वन क्लोज, और यहाँ पे आ जाएगा चेंज योर इमेज और एच थ्री ले लेते हैं, या फिर एच फोर ले लेते हैं, छोटा काफी। और सिलेक्ट योर इमेज हेयर एंड जस्ट यही लिख देते हैं। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, ग्लिफ आइकन जो होम का है यहाँ पे हम पिक्चर लिखेंगे और यहाँ पे मैं नेम चेंज कर दूंगा इमेज और मैं ऐसा करता हूँ फ्रेंड्स, ये जो है हम यहाँ से ये डिलीट कर देंगे और इसको हम कर देंगे इनपुट, इनपुट टाइप जो होगी हमारी ये फाइल, और क्लास फॉर्म कंट्रोल और नेम हम दे देंगे इमेज, आई एम दे देते हैं नेम आई एम, और रिक्वायर्ड और यहां से मैं नेम इसको भी कर देता हूं आई एम अंडरस्कोर यू, और एक बार अपने ब्राउजर में जाके पहले एक बार हेडर फाइल में इसको इंक्लूड कर लेते हैं हम, सॉरी हेडर नहीं, प्रोफाइल पेज पे। तो जहाँ पे हमारा ये इमेज है मैं यहाँ पे पिक लिख लेता हूँ, और अगर ये पिक गेट हो तो पिक डॉट पी एच पी के नाम से जो हमने पेज सेव किया था वो इंक्लूड हो जाए। और एक बार अपने ब्राउजर में आके मैं रिफ्रेश करता हूँ और यहाँ पे अगर मैं इमेज पे क्लिक करता हूँ तो जैसा कि ये पिक डॉट पी एच पी आ गई है, सिलेक्ट योर इमेज हेयर, बट हमारा एच जो वन टैग लिखा था वो नहीं आया। मैं एक बार देख लेता हूँ कि उसमें क्या प्रॉब्लम है। एच वन मेरे हिसाब से कुछ मार्जिन की प्रॉब्लम होगी, मैं वीआर टैग दे देता हूँ, बट अभी भी नहीं आया। योर इमेज हेयर कंट्रोल एक्स, मैं यहाँ पे फिर से एच टू टैग दे देता हूँ। अच्छा मैं एच टू टैग देखता हूँ, चेंज इमेज हेयर, यहाँ पे एच टू आ गया, पता नहीं एच वन क्यों नहीं आ रहा था। तो हम यहाँ पे इसको हम सेंटर में चाहते हैं तो सेंटर टैग यूज कर लेता हूँ, और ये सेंटर टैग क्लोज, ओके। इमेज बटन भी हमें चाहिए सेंटर में, तो
तो मैं ऐसा करता हूँ फॉर्म के बाद ही लिख लेता हूँ सेंटर। तो जी हाँ फ्रेंड्स, ये आ गया हमारे पास। तो अब हम क्या करेंगे, इमेज पे काम करेंगे। तो इमेज के लिए मैंने क्या किया है, यहाँ पे आई एम लिखा है, तो मैं क्या कर दूंगा, आई एम अंडरस्कोर यू, मतलब अगर ये क्लिक हो तो हमारे पास एक वेरिएबल होगा इमेज का। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, जहाँ पे हमने रजिस्टर किया था वहाँ से मैं फाइल को कॉपी कर लेता हूँ इमेज वाली, और पिक में आके पेस्ट कर देता हूँ अपडेट के बाद। और यहाँ से मैं ये मूव वाली भी कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे आके मैं पेस्ट कर देता हूँ। और यहाँ पे हमारा फाइल में इमेज का नेम जो है आई एम है, और यहाँ पे भी आई एम, और यहाँ पे भी आई एम, नहीं यहाँ पे हमारे पास इमेज ही है, और ये टी एम पी इमेज। तो हमारे पास यहाँ पे यू आई डी है और एक इमेज है। तो अब हम क्या करते हैं, अपडेट यूजर सेट हम कर देंगे यहाँ पे इमेज, हमारे पास डाटाबेस में नाम इसका इमेज है, और यहाँ पे डॉलर जो आएगा, एक बार मैं देख लेता हूँ, डॉलर आई एम जी। और अगर ये रन हो जाए क्वेरी तो क्या हो, अपडेट सक्सेसफुली का मैसेज आ जाए, इमेज अपडेटेड सक्सेसफुली, या फिर अपडेटेड सक्सेसफुली रहने देते हैं। और एक बार मैं रन करके देखता हूँ अपने ब्राउजर में, रिफ्रेश कर लेता हूँ, और यहाँ से मैं इमेज चेंज करता हूँ, मैं यहाँ से ये वाली इमेज ले लेता हूँ लॉगिन वाली, और पेस्ट करता हूँ, तो अपडेट सक्सेसफुली। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे भी इमेज हो गई अपडेट। तो बट मैंने जो रीडायरेक्ट था हमने उस पर किया था, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पिक कर देंगे, और एल्स पिक। तो एक बार हम फिर से इमेज को अपडेट कर देते हैं। अपडेट सक्सेसफुली, और ये देख लीजिए हमारी इमेज भी अपडेट हो गई है। तो नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड हम डिलीट पे काम करेंगे, और उसके बाद हम चैट पे।